चाक के दर्जनों महिला मंडल के सदस्य हुए ठगी का शिकार। कुल 8 लाख रकम की ठगी बताई जा रही है। जहां सरकार एक तरफ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बना रही है, वहीं कुछ ठगहर लोग सरकारी योजनाओं की आड़ में ठगी का धंधा चला रहे हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड के दर्जनों महिला मंडल ठगी की शिकार हुई। आपको बता दें कि प्रखंड के महिला मंडल के महिलाओं ने बताया कि रांची के गुप्ता ट्रेडर्स के मालिक दिलीप गुप्ता ने प्रत्येक महिलाओं से ग्रुप बनाकर 2-2 हजार यानी एक ग्रुप से 20 हजार रुपया उद्योग लगाने हेतु अपने ही कंपनी गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से ड्राफ्ट लिया, जिससे लगभग 8 लाख की ठगी हुई। जब इसकी जानकारी आदर्श युवा संगठन के युवा कार्यकर्ता गौतम कुमार व रूपेश कुमार को मिली तो उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही। इस ठगी का मामला को लेकर सभी महिला एकजुट होकर थाने में आवेदन भी दिया है। वहीं इस संदर्भ में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी कर दी गई है। जैसे ही कंपनी का युवक पकड़ में आता है तो कार्रवाई फौरन की जाएगी। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। क्या मामला है आप लोग को? मामला है यही कि हम लोग जैसे आत्मनिर्भर वाला दिए थे ना मोदी जी, वही उसी माध्यम से आया एक ठो रांची का है दिलीप गुप्ता और दो ठो स्टाफ बैंक का है सोहन दास और त्रिभुवन सिंह। उन लोग से जान पहचान हम लोग के था, वही माध्यम से वही लोग था कि हम आप लोग के मशीन देंगे और काम करवाएंगे, मसाला और पापड़ हम लोग घर में रखते हैं, हम लोग अपने बेच लेंगे, आप लोग को 8 हजार का महीना देंगे, 12 हजार लीटर पर हम लोग काम करने वाला 8 हजार और रूम भाड़ा 9 हजार। अच्छा, तो आप लोग से क्या लिया? दो दो हजार रुपया लिया है, पर हेड लिया है, प्रति व्यक्ति प्रति महिला से एक ग्रुप में 20 हजार को डीडी बना। हाँ, डीडी बना रोहित डीडी। कितना ग्रुप है? 40 ग्रुप से ले लिया। तो आप लोग थाने में आवेदन दिए हैं, FIR कराए हैं? जो महिला ग्रुप के महिलाएं जो ठगी का जो शिकार हुए हैं उसको किस तरह से प्रशासन देख रही है? इसमें लगभग 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना करके लगभग 40 ऐसा ग्रुप बनाया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, और सभी महिलाओं से 200-200 रुपया सदस्यता शुल्क या शुल्क के नाम पे लिया गया था, और लगभग ऐसे 40 ग्रुप से लगभग 8 लाख रुपये लिए गए थे गुप्ता ट्रेडर्स के द्वारा। इन्हें बताया गया था कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ है जैसे अगरबत्ती और पापड़ उद्योग के रूप में जो उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए पैसा लिया जा रहा है, और उस संदर्भ में ये लोग को सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 महीने हो गए और इन लोगों को कोई भी इक्विपमेंट नहीं मिला और ना ही संतोषजनक जवाब मिल रहा है गुप्ता ट्रेडर्स के द्वारा। तो इसी संबंध में आके आवेदन दिया गया था कल, तो उस पर FIR लॉन्च किया गया है और आगे अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि आखिर सत्यता कितना है, क्या है, और कार्रवाई की जा रही है। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।